न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ शालिनी सिंह। रुक करते हैं अगली खबर की और खबर है दिल्ली से। दिल्ली के ललित पैलेस होटल में निधि सिंह का पहला बॉलीवुड गाना मेरा दिल का लॉन्चिंग भोजपुरी के सुपरस्टार रवि किशन के हाथों संपन्न हुआ। देखिए सतपाल सिंह के साथ दिल्ली से यह खास रिपोर्ट। मैं सभी लोगों को प्रणाम करता जिसको भी प्रेम है, जिसको भी पत्नी से और अपनी प्रेमिका से या प्रेमी प्रेमिका को प्रेमी से, they will all love it. Youth will love this song. Especially के youth को सोच के निशि जी ने कंपोज किया है, गाया है. It's very fun, very touchy. लगे ये हॉन्ट करता है आप ये मतलब fantastic, very well shot video. Very well. इस तरह से एक एल्बम का लॉन्च हुआ है बड़े धमाकेदार बड़े ललित होटल में। बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे जैसे बॉलीवुड के, यहाँ पर रवि किशन भी मौजूद थे। क्या रहा, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? बहुत ही मुझे खुशी हो रही है कि मेरे जो इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। मेरा ये बहुत बड़ा सपना था कि जब भी मेरा सॉन्ग फर्स्ट सॉन्ग रिलीज हो तो टी सीरीज के द्वारा हो, तो वो सपना पूरा हो गया। और जो यहाँ पे आपकी और आज इस तरह से एक वुमन एम्पावरमेंट को काम करें, क्या मैं सभी वुमन के लिए एक मैसेज देना चाहती हूँ कि सभी के अंदर टैलेंट है, हुनर है, जरूरत है उसको पहचानने की। और जो आपके अंदर टैलेंट है उसको कभी भी मरने मत दीजिए, उसको रिवाइव कीजिए। मैम हमारे दर्शकों के लिए दो लाइन गर्ल नहीं है no doubt, and this guy I'm collaborating with, this Rashmohan, he's a hero, no? And basically jo hamare singer hain unki awaaz mujhe bahut hi achhi lagi, right? And apart from this jo isne acting kari hai ji, that was amazing. क्या कहेंगे जिस तरह से एक मोहन से उभरते हुए बॉलीवुड में कदम रख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आए दिन के न्यू सॉन्ग्स एल्बम आती रहती हैं। अब साउथ की काम भी कर रहे हैं, कमाए के साथ काम किया रहे हैं, तो एक डिफरेंट जिस तरह की सितारे उभरते हुए, क्या कहेंगे इनके बारे में? हाँ, तो बेसिकली मैं भी अभी लास्ट एक साल से इसके साथ रहा हूँ, तो मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है और हम दोनों मिल के बहुत ही अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाले हैं और हमारे सॉन्ग्स भी आने वाले हैं, तो मैं इसे बहुत ही पर्सनली जानता हूँ। सो द बेस्ट पार्ट इज विशिंग कहाँ पर शूटिंग हुई थी इसकी, और दूसरा ये आपको ऐसा कौन सा पल इसमें जो अच्छा लगा, जो बहुत ही अच्छा लगा आपको? इस गाने में एक पल है, ये मुक्तेश्वर का सीन है, मतलब सामने हिमालय थे, एक कॉटेज में शूट कर रहे थे, निशी मैम सामने बैठी थी एंड मैं ट्रे लेकर के एक इसमें एक शॉट है, मैं ट्रे लेकर के चाय लेकर के उसमें आया हूँ। तो जिस तरीके से वो शॉट की ब्यूटी है वो मेरे ख्याल से और किसी शॉट में नहीं है, बट हाँ सारे शॉट से अच्छे हैं, बट वो एक शॉट है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत सुंदर शॉट। आगे क्या प्लानिंग है आपकी?
आगे अब ये गाना दोबारा से हमारे साथ आया है और नेक्स्ट सॉन्ग हम गुड़गांव के ऊपर सॉन्ग कर रहे हैं मेरे भाई के साथ, तो वो सॉन्ग हम पीछे से लॉन्च कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था निशी मैम के साथ काम करने का, और मैम का बचपन मेरे थ्रू दिखाया गया है तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। इट वॉज़ माई ऑनर टू वर्क विद हर। और नैनीताल में हमारी शूटिंग हुई थी एंड इट वॉज़ चिलिंग, बट इतने अच्छे मैंने कभी मतलब बैकलेस चूली पहन के पहाड़ों पर तो नहीं एक्ट किया, तो मेरा पहला ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जो इतनी ठंड में हम शूट करने गए थे, बट मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। प्लस निशी मैम इज़ रियली काइंड, आई मीन बहुत कंफर्टेबल था, एवरीथिंग वाज ग्रेट एंड आई लव वर्किंग। बधाई देना चाहूँगी निशी से को, उसने पूरी गायक की तरह इतना गाना दिया है और बहुत अच्छा लगता है, गर्व होता है जब कि माया या रक्षा को परफॉर्म करके देखती हूँ। पर मैं यही बोलूँगी कि मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि ये गाना आम जनता तक बहुत जल्दी पहुँचे। हाय, हम आपसे बॉलीवुड एक्ट्रेस एंड मैं आज आई हूँ मेरी फ्रेंड निशी सिंह जी के एल्बम पे एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर हर। मेरी मेरी कॉन्ग्रेट्स टू यू स्वीट हार्ट, एंड मैंने आपकी वीडियो देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा एंड मैनी मोर कम। मेरा दिल जो एक एल्बम लॉन्च हुआ है यहाँ पर निशी सिंह है, निशी सिंह क्या कहेंगे आप इस एल्बम सॉन्ग के लिए? देखिए, मैं कहूँगा कि निशी जी थे, मैं निशी जी को काफ़ी टाइम से जानता हूँ और ये कहना चाहूँगा कि उनमें बहुत ही टैलेंट हैं, बहुत ही उनके अंदर मतलब एक मल्टीपल टैलेंट्स हैं। मैंने काफ़ी बार उनके और इवेंट्स भी अटेंड कर रखे हैं, बट अब वो अपने आप को वेंचर कर रही हैं एक एज अ सिंगर। एंड उनका जो लॉन्च था आज मेरा दिल, जो कि टी सीरीज़ के ब्रांड के अंडर है, विच इज़ अ बिग ब्रांड, और उसके अंदर उनका लॉन्च करना इस गाने को एज अ सिंगर, आई थिंक ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और मैं उनको बहुत ज़्यादा अपनी विशेज और कंग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा। मैम डॉक्टर श्रुति सिंह, आई एम गायनेकोलॉजिस्ट। आज हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं निशी सिंह जी की इस अकम्पलिशमेंट में। शी हैज सन अ वेरी ब्यूटिफुल सॉन्ग एंड शी हैज़ लॉन्च द म्यूजिक एल्बम टुडे। वी विश हर ऑल द वेरी बेस्ट और हम आशा करते हैं। Hi, this is Rinku Dulshi, I'm sure. And I'm so happy for Nishi and my heartiest congratulations to her. She has sung Mera Dil very beautifully, very romantically, and wish all the accolades to Nishi so that she should have many more albums to her credit. Thank you. Launch, it was very, very fantastic, very good composition. And Nishi Singh is very good. It is really, very nice. इधर आने का मौका मिला जिसमें बहुत बड़े बड़े कलाकार भी आए हुए हैं आज, पर ये सॉन्ग जो है सुनकर मैं हैरान हो गई कि निशि जी इतना अच्छा गा रहे हैं। ये सॉन्ग की वर्डिंग बहुत अच्छी है, धुन बहुत अच्छी है और आवाज़ बहुत अच्छी है, बड़ी बुलंद और बड़ी प्यारी आवाज़ है। और निशि को मेरी पूरी शुभकामनाएं और ये बहुत अच्छी लगी। आई जस्ट एक्चुअली पूरा तो देख नहीं पाया, आई जस्ट एंटर्ड टू लेट, बट हां आई हैव सीन द टीजर, सो अकॉर्डिंग टू दैट आई कैन से दैट निशि जी लाइक ए हाउसवाइफ से बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट उसके अंदर इतने टैलेंट भी भगवान ने दिया है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत कोशिश करके मेहनत करके अपने टैलेंट दिखाते रहे पूरी दुनिया को। और आज उन्होंने ये भी दिखा दिया कि मैं सिर्फ खाना नहीं पका सकती, मैं सिर्फ बच्चे नहीं देख सकती, बल्कि मैं पेंटिंग भी कर सकती हूँ और मैं आज की डेट में भी गा भी सकती हूँ। तो निशि जी को देखा ना, तो आज के टाइम में जितने भी वुमेंस हैं ना, तो वो भी इंस्पायर हो जाएंगे उनसे, एंड वुमेंस इन पावर तो आजकल बहुत चल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है कि दिस इज द मैसेज एंड द सॉन्ग इज डन वेरी वेल पोर्ट्रेट व्हिच आई हैव सीन इन द टीवी। Thank you.
awesome song in the world, Best Thing. She's a very nice lady, she's very kind, absolutely awesome. Nishi Singh's song has been launched. A song is such as a beautiful. I bless her with all the love and success and hope that she will soon sing again the line. And thank you so much. बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने ये जो सॉन्ग है उसको अपने जहन के आशियाने से एक्चुअली लोगों तक निकाला है. और बेस्ट पार्ट ये है, इट्स सच अ रेलेवेंट टाइम बिकॉज अभी सीजन ऑफ लव चल रहा है और निशी जी जो है उन्होंने इतनी खूबसूरती से ये गाना जो है लोगों तक पहुंचाया है. और उनके बारे में एक और चीज़ बोलना चाहेंगे कि वो एक बहुत फेमस पेंटर हैं, आर्टिस्ट हैं और बहुत खूबसूरती से लिखती हैं और गाती हैं. और बहुत बहुत मुबारक हो और हम उन्हें बधाइयाँ देते हैं और कोशिश करते हैं कि ऐसे हमें और भी उनके अच्छे गाने सुनने को मिलता रहे. सबसे पहले तो ऋषि को बहुत बहुत मुबारक. वंडरफुल वुमन, वंडरफुल सोल, वंडरफुल फ्रेंड. माय लव टू गॉड एंड ऑल द विशेस टू गॉड. थैंक यू. Album, very good song, and I think she's looking lovely, and it's many, very congratulations to her. I'm very happy for her. आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज.